दिल्ली में इन दिनों लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अवैध निर्माण पर डीडीए का बुलडोजर चल रहा है और मेहरौली में पिछले कुछ दिनों से ये कार्रवाई हो रही है, जिसके वजह से वहां के लोग काफ़ी परेशान हैं और वो सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के प्रवक्ता कुंवर शहजाद जी हैं। शहजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये बताइए कि बुलडोजर की जो कार्रवाई डीडीए कर रही है मेहरौली के अंदर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो पार्टी रही है वो गरीबों की पार्टी रही है और गरीबों को निचले स्तर से उठाकर वो उच्च स्तर पे लेके जाती है, उनको रोज़गार देती है, उनको घर देती है, उनको रहने की शिक्षा की सुविधाएं देती है। लेकिन जब से केंद्र के अंदर भाजपा सरकार और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी आए हैं, उस वक्त जब से ही दिल्ली का विकास रुक चुका है, देश का विकास रुक चुका है। आप ये देखिए कि दिल्ली जो डीडी है उसके अंदर आम आदमी पार्टी के भी विधायक हैं और उसमें बीजेपी के भी विधायक हैं, उन दोनों का रोल किया है। आज वहाँ पर 30,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, 30 लाख लोगों को घर से उजाड़ने की उन्होंने काम शुरू कर दिया। जो पार्टी कहती थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आज वो सब कहाँ दिख रहा है, उस जगह पर 9 पोलिंग बूथ लगते हैं, 30,000 लोग वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ भी हैं। तो रजिस्ट्रियाँ कैसे हो गई इतने सालों से, 40 साल से, 50 साल से वहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप एकदम आते हो उनका आप आशियाना उजाड़ देते हो। अगर आपको वहाँ पे कुछ करना था, कोई आपकी प्लानिंग थी, कम से कम आप उन लोगों को कोई नहीं। डीडीए कह रही है कि नोटिस जारी किया गया, वो अवैध निर्माण है, लोग अपने जमीन से आगे बढ़कर मकान बना लिए, इस पर कार्रवाई हो रही है। जब वो बना रहे थे उस वक्त जो दिल्ली पुलिस थी वो क्या सो रही थी? उस वक्त जो इनका डीडीए का प्रशासन था क्या वो सो रहा था? क्या उनको तनख्वाह इसलिए मिलती है कि वो सोते रहें? और फिर जब वहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे एक पूरी आबादी हो चुकी है, चलो वहाँ पे जाके तोड़ना शुरू करो। जो गरीब आदमी है वो रोज़ाना अपने 100 रुपये जोड़कर, 200 रुपये जोड़कर अपनी एक एक ईंट लगाता है, उसकी आप आह को सुनिए। वहाँ पर पुलिस जाती है, 1,000 रुपये लेती है, बनाने को दे देती है, 2,000 लेती है, 5,000 लेती है, जब आपका सारा प्रशासन सो रहा था। तो फेलियर वो लोग नहीं जो रह रहे हैं, आप उनके गार्जियंस हैं। कोई भी गवर्नमेंट अगर होती है रूलिंग पार्टी में तो वो गार्जियन का प्ले रोल करती है। अगर आपको तकलीफ है कि उनको वहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको वहाँ पे कुछ करना है, या उन्होंने अवैध निर्माण किया या जो भी किया, लेकिन वो रह तो बहुत सालों से रहे, आपने उनके लिए क्या सोचा? क्या आपने उनके लिए कोई जगह दी? क्या शीला गवर्नमेंट में या तो अवैध निर्माण पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? अवैध निर्माण हुआ क्यों? तो हम गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, जिनको सैलरी देती है, उनका काम क्या है? तो मैं आपकी भी तो सरकार थी, कांग्रेस भी सत्ता में थी। हमारी सरकार को गए हुए 7 साल हो गए, आप उन 7 साल को कहाँ तक किस नज़र से देखोगे? अगर शीला गवर्नमेंट ने कभी किसी के घर उजाड़े या कांग्रेस पार्टी ने कोई झुग्गी हटाई तो उनको जगहें अलॉट की गई, क्योंकि सरकार को जनता अपने गार्जियन के रूप में देखती है और कोई भी गार्जियन अपनी जनता को परेशान नहीं करता, यहाँ परेशान किया जा रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए रजिस्ट्री कैसे हो गई? आपको पता है वहाँ पे प्लॉटों की रजिस्ट्री भी है, पता है आपको? नहीं, लेकिन डीडीए ये कह रही है कि जिसका रजिस्ट्री है उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, उन पर चल रहा है जो अवैध निर्माण हुआ है। जो अवैध निर्माण कहते किसे हैं, आप मुझे ये बताइए। अवैध निर्माण तो जिसको गवर्नमेंट चाहेगी वही अवैध निर्माण हो जाएगा। आपके लॉ एंड टर्म्स इतने ज़्यादा खतरनाक है कि एक आम आदमी और एक लिटरेट आदमी उसे फुलफिल नहीं कर सकता। ऑफिस में जाता है तो बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्या आपने उनके लिए कोई कैंप लगाया? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, सिस्टम को आप दोष ठहरा रहे हैं, कुछ समय कहाँ थी, लेकिन अब जो ये कार्रवाई हो रही है उस सिस्टम से अलग हटकर, क्या इसका आप लोग विरोध करते हैं? बिल्कुल, हम विरोध करते हैं। अगर आपको जो जहाँ पे रहता है वो वहीं पे रहेगा, अगर आपको उसके लिए कोई अवैध निर्माण है या कोई आपको प्रक्रिया लेनी है तो आप जनता के बीच में जाके नोटिफाई कीजिए कि हम यहाँ पर ये चाहते हैं, और जिनके पूरे घर जा रहे हैं आप उनको जगह अलॉट कीजिए। एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहां पर जाके लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच कांग्रेस पार्टी नजारा दिख रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को
आप नदारद नहीं है, वो वहीं पर बैठी है और वहीं पर अपना काम कर रही है। ये हम लोगों की सोच है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे नहीं दिख रही, सड़क पे वहां पे नहीं दिख रही, सड़क पे ही है, लेकिन आपको इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि वहां पे जो सिटिंग पार्षद है या सिटिंग विधायक है वो आम आदमी या बीजेपी का है, तो नेताओं के पीछे जाए, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो लगातार हमारे टच में है और वहां पे उन लोगों की मदद कर रहा है। और जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ उनको दिलासा दे रही है और वो ये दिखा रही है कि देखिए हम लाचार हैं, आपको 2012 में 13 में दिल्ली की सरकार चाहिए थी, सरकार आपको मिल गई, सत्ता आपको मिल गई, आप आज तक लाचार हो, 3 बार आप मुख्यमंत्री बन चुके हो फिर भी कहते हो मैं लाचार हूँ, तो आप मुख्यमंत्री बने क्यों अगर आप गरीबों की आवाज़ नहीं सुन रहे। गरीबों को सुनना, जनता को सुनना समाधान नहीं है, उनकी परेशानियों को सॉल्व करना समाधान है। आप परेशानी सुनते हो लेकिन सॉल्यूशन नहीं देते हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कुंवर शहजाद जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और इन्होंने भी मेहरौली में जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसका विरोध किया है और कहा है कि बुलडोजर गरीब के आसियाने पर नहीं चलना चाहिए। तो बुलडोजर की जो कार्रवाई दिल्ली के अंदर जारी है इसको लेकर सियासी घमासान भी जारी है, लेकिन क्या सियासी घमासान के बीच जो बुलडोजर डीडीए का दहाड़ रहा है उस पर सरकार रोक लगा पाती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। आने वाले दिनों में क्या ये कार्रवाई चलती रहती है या फिर इसे रोक दी जाती है।